हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सो दोस्तों, हमेशा की तरह आप देख सकते हो मैं एकदम अलग सी जगह पे खड़ा हूँ, जंगल के एकदम बीचों बीच। सो दोस्तों, अगर जिन्होंने मेरा प्रीवियस व्लॉग चेक नहीं किया उनको बता दूँ, मैं अभी हूँ अपनी हैको एडवेंचरस ट्रिप पे कोस्टा रिका। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जिनको बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट जानना होगा तो वो मेरे पुराने व्लॉग्स चेक कर सकते हैं। तो जो अभी चैनल पे नए हैं और ये वीडियो सिर्फ देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ, मैं अभी हैको में हूँ कोस्टा रिका। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटीज़ है कोस्टा रिका में, बहुत बीचेस के लिए, जंगल के लिए, एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए। सो अभी मैं जहाँ रुका हूँ वहाँ नज़दीकी दोस्तों मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। मैंने देखा कि यहाँ योगा का कुछ अरेंजमेंट है, तो बोला जंगल के बीचों बीच जाके हो ना, ऐसा रहता है। देखो मैं आपको बताऊँगा, पहुँच के कुछ अलग टाइप का योगा का नाम लिखा था, बंदे को पूछा तो उसने बोला यार लोग योगा करते हैं लोग, तो फिलहाल कोरोना की वजह से कम हो गया है। बट योगा का अरेंजमेंट दोस्तों हिंदू मतलब इंडिया के मतलब अपुंग इंडिया किधर है, अगर ये पृथ्वी का गोला है दोस्तों, अगर इंडिया ये कोर पे होगा तो कोस्टा रिका अपोजिट साइड पे। इतना दूर अपना जो कल्चर है वो इतना फेमस है कि इस छोटी सी कंट्री में दोस्त लोग योगा कर रहे हैं पैसे दे के। तो देखो दोस्तों, ये पूरा जंगल है और ये जंगल के बीच में स्पेशल लोकेशन है सिर्फ योगा करने के लिए दोस्तों। ये हमारा भारतीय कल्चर। चलो मैं स्पेशल परमिशन लेके आया हूँ दोस्तों, अपन अंदर जाते हैं और देखते हैं कि लोग योगा कैसे करते हैं। तो देखो स्पेशल नेट लगाया है मच्छरों के लिए। सो दोस्तों ये है योगा की, एकदम साफ सुथरी झाड़ू रखी है। ये योगा का जो अपना इंडियन कल्चर होता है दोस्तों, वो देखो मैट्स वगैरह। तो ये हमारा भारतीय कल्चर दोस्तों। ये नंबर लिखा है दोस्तों, तो अगर आप कभी कोस्टा रिका आते हो और आपको योगा वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप ये नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फैन वगैरह का अरेंजमेंट है। और सबसे स्पेशल चीज़ दोस्तों, मैं ऐसा मजाक नहीं कर रहा, लिटरली अपना कल्चर है। ये देखो गणेश जी की मूर्ति रखी है, ये सामान अगरबत्ती वगैरह। सो दोस्तों ये कोई हिंदुस्तानी का प्लेस नहीं है, लिटरली यहाँ लैटिनो लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं जो ये सब अरेंजमेंट करके रखे हैं। गणेश जी की मूर्ति भी रखी है और यू नो मेडिटेशन के हिसाब से। वैसे योगा वगैरह की जानकारी मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है दोस्तों, बट ये जो है पूरा मैं आपको दिखाना चाहता था। तो ये देख लीजिए, एज ए इंडियन कभी कभी बहुत प्राउड फील होता है दोस्तों कि आप अपनी अपनी कंट्री से इतना दूर जाते हो और अपना कल्चर देखते हो और लोगों को अडॉप्ट करते देखते हो, तो बहुत खुशी होती है। और बस पता नहीं मुझे खुशी होती है, अगर आपको भी खुशी होती है तो मुझे बताइए। या आपको कैसा लगता है जब आप देखते हो कि अंग्रेज़, बहुत से अंग्रेज़ को तो गणेश जी की प्रॉपर हिस्ट्री पता नहीं होगी, इनके इनको लोग पूछते क्यों है वो भी ज़्यादा डिटेल में पता नहीं होगा, तो भी लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे तो कभी प्राउड फील होता है। मैं देखूँगा कि जिस बंदे का ये जो अरेंजमेंट है उससे अगर अपनी बात हो पाई तो हम उसको भी कुछ क्वेश्चन करेंगे कि वो आखिर इस सब चीज़ों में आया कैसे। सो दोस्तों बस यही है, मैं फिर से एक बार आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। बड़ा शांत है दोस्तों, जंगल के बीचों बीच सिर्फ योगा करने के लिए। ये देखो आप बोर्ड पे देख पाओगे दोस्तों, ये योगा का टाइम है, पद्मा योगा। बड़ी खराब बात है कि मैं इंडियन होके मैं इस पद्मा योगा वगैरह के बारे में जानता नहीं हूँ, टाइप्स जानता नहीं हूँ, मुझे योगा पता है। बट ये टाइप का योगा करते हैं लोग जंगल के बीचों बीच। वो देखो दोस्तों हाथी, अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग नहीं चेक किया होगा तो मेरे दोस्त का कुत्ता है, कुत्ती है तो वो मेरे साथ ही होती है मोस्टली, क्योंकि मैं उससे काफ़ी खाना लेना देता रहता हूँ जो लोग नहीं देते। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो ये अपना प्राउड इंडियन कल्चर का योगा सिस्टम आपको मैंने दिखा दिया है। और अभी अपन जाएंगे दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग जगह है दोस्तों, मैं कभी वहाँ गया नहीं, पहाड़ के ऊपर पूरा शहर दिखता है दोस्तों, और कहते हैं कि ये काफ़ी ब्यूटीफुल बीच है। तो मैं अपने रूम पर जाऊँगा, शूज़ पहनूंगा और अपन ट्रेकिंग शुरू करेंगे। मेरे को लगता है करीबन आधे घंटे की ट्रेकिंग होगी और अपन पहाड़ के ऊपर पहुंच के पूरा नज़ारा रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो कोशिश रहेगी जब अपन पहाड़ पे पहुंचेंगे तब आपसे मिलता हूँ।